जो गिवन साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, और आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसकी कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो नेचुरली आप 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लोगे, है ना, और यहाँ से अनदर साइड 6 की होनी चाहिए, ये भी 6 की होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब आप किस तरह से आपको 6 सेंटीमीटर बनाओगे, यहाँ पे कंपस में 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके यहाँ कंपस रख के इधर एक आर्क लगा दोगे, और इधर कंपस रख के 6 सेंटीमीटर का इधर आर्क लगा दोगे, और जैसे ही इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। और 6 सेंटीमीटर ये आपके 6 सेंटीमीटर लेंथ का आपने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, इसको हम कह देते हैं कि ये है ए बी। और उसके बाद कंपास लेके आप 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट का एक आर्क लेने वाले, एक 6 सेंटीमीटर इसको ओपन करिए, और 6 सेंटीमीटर ये रहा, यहाँ कंपास रख के ऊपर कहीं सी आना चाहिए ना, तो इधर एक आर्क आपने ऐसे लगा दिया, एंड देन इसी आर्क को यहाँ लाके 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे रखिएगा। अब रूलर यूज करते हुए आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे, और इस पॉइंट को भी इधर से ज्वाइन कर दोगे, तो इस तरह से आप पॉइंट सी मिल जाएगा, आपका पॉइंट सी इधर आ गया। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लोगे तो ये आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये भी